देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट, मैं मोहम्मद अजीज का हाईवे आजमी नगर में, जहां की पब्लिक यादव के परिवार वालों ने इनको काफी परेशान किया। आज 32 साल 30 साल पुरानी सोसाइटी रहने के बाद भी आज इनका कोई भी काम यहां पर नहीं होने दे रहे। और क्या समस्या आपको ज्यादातर आ रही है? हमको यहां पर गटर की भी समस्या है, पानी की भी समस्या है। हम लोग प्यासे, यहां पे लाइन कट गई, हम लोग पानी कहां से पिएंगे? हमको पानी की लाइन पे डालने का, ये डालने नहीं दे रहा है, यहां गटर डालने दे रहा है। मैं बोलता हूं हमको पैसा खिला, नहीं तो हम जाने नहीं देंगे। 2 साल पहले इसने अपना 7-12 कन्वेंस रजिस्ट्री कराने के बाद, इतने यहाँ की पब्लिक है जो 1990 से रहती है, 2 साल के अंदर 7-12 कन्वेंस रजिस्ट्री कराने के बाद आ जाके बोलता है ये प्लॉट हमारा है। जो पोजीशन लेके बैठे इतने सालों से वो लोग बेवकूफ है, और गटर नाली 30 साल से वो लोग बेवकूफ है। पोजीशन लेके 2 साल पहले 7-12 ये किसी तरीके से उन्होंने भी दायर किया हुआ है, मतलब 7-12 ओनर का भी यहाँ के जो सुनिए ना यहाँ के जो नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी साहब है, उनके पास आप लोग गए थे? आप देख सकते हैं किस तरीके से पब्लिक यहाँ पर, मतलब भीड़ लगी हुई पब्लिक की, और जिस तरीके से यहाँ पर आज पब्लिक ने माना है कि अगर हमको गटर और पानी नहीं मिलेगा तो हमको अगर आंदोलन पे बैठना पड़ेगा, हम आंदोलन पे बैठेंगे। और इस तरीके से यादव परिवार ने इन लोगों को परेशान किया। यहाँ पर 500 घर है और सबके गटर रोका गया यादव, और ये बताया जाता है कि कोर्ट से ऑर्डर मिला है गटर रोकने का, पानी रोकने का। और अगर रोका है तो मालूनी पुलिस स्टेशन क्यों नहीं देख रही है कि गटर का ऑर्डर रोका हुआ ऑर्डर है? मालूनी पुलिस स्टेशन हमेशा, सब लोग जानते हैं कि मोहम्मद अजीज खान ने मालूनी पुलिस स्टेशन को भ्रष्टाचार में बताया है। मालूनी पुलिस स्टेशन बिना पैसा लिए हुए कोई काम नहीं करती, ये गरीब जनता पैसा कहाँ से भरेगी? हमेशा मालूनी पुलिस स्टेशन इसी तरीके से जो गरीब गाय है उनको सताया गया, ऐसे भूमाफिया यादव लोगों ने मालूनी पुलिस स्टेशन को खरीदने का, बीएमसी को खरीदने का वादा और दावा करते हैं। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि इसके बाद में आपने आपके जो हमारे कैबिनेट मंत्री असलम शेख है उनके पास आप गए थे? आप इनका मानना है कि ये आप एमएलए असलम शेख के पास जो कैबिनेट मंत्री है यहाँ के मलहर वेस्ट के, अभी उनके पास दुआर लगाएंगे, देखते हैं असलम शेख साहब इनके ऊपर क्या, मतलब काम इनका जो करके देते हैं या यादव जैसे को भू माफियाओं का सपोर्ट करते हैं। मैं मोहम्मद अजीज का न्यूज फर्स्ट मुंबई।